दोस्तों आपने चमार शब्द का नाम तो सुना ही होगा। जरा चमार शब्द का नाम और इसका उपयोग सोच समझकर कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत दंडात्मक निर्णय उठाना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों चमार शब्द पहले एक सूर्यवंशी क्षत्रिय जाति हुआ करती थी, जो कि हिंदू धर्म में गिनी जाती है, और यह कभी भी अपने हिंदू धर्म को किसी के आगे नहीं झुकने देती थी, क्योंकि यह इनमें एकता होती थी कि यह किसी भी विदेशी आक्रमण करने के लिए भी तैयार होती थी, इनमें इतनी एकजुट थी। लेकिन वहीं पर सिकंदर लोदी ने अपना शासन चलाने के लिए इनको चमार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बार 16वीं शताब्दी में किया, लेकिन धीरे धीरे इनको गंदा काम सौंपा गया, जिससे इनको चमार कहने लगे। लेकिन दोस्तों अगर आप भी या फिर कोई भी आज चमार शब्द का उपयोग उनको अपमानित करने के लिए किया जाता है, तो आप यह गलती नहीं करें। दोस्तों चमार शब्द का प्रयोग किसी को अपमानित करने के लिए नहीं करें, क्योंकि चमार का मतलब सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जातिवादी गाली के रूप में वर्गीकृत किया गया है, इसलिए इस शब्द का प्रयोग सोच समझ कर करें, नहीं तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उल्लंघन के मामले में आप पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, और आपको बड़ी से बड़ी जेल भी सजा हो सकती है। इसलिए दोस्तों मुझे जहाँ तक याद है उस लिए आपसे यही निवेदन करता हूँ कि किसी को भी चमार शब्द कहकर अपमानित ना करे, ना ही किसी को ऊंचा नीचा ना दिखाए, नहीं तो अगर आप पर निर्मात्मक कार्यकाल हो सके तो आपको सजा हो सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि यह गाली के रूप में वर्गीकृत किया है, इसलिए वो कोई जाति छोटी बड़ी नहीं है, वो बहुत बड़ी जाति सूर्यवंशी हुआ करती थी। यह तो सिकंदर लोदी कमीना था, जो कि इनको नीचा दिखाने के लिए, हिंदुओं में कमी दिखाने के लिए इनको चमार शब्द का प्रयोग किया। इसलिए चमार को कोई छोटी मोटी जाति न समझे और सूर्यवंशी संतरे जैसे ही जाति समझे। इसलिए आप कभी भी यह गलती ना करें, नहीं तो निवारण अधिनियम 1989 के उल्लंघन के मामले में आपको दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। जय हिंद, जय भारत।